पूरे पार्लियामेंट में जिसकी जांच की मांग हो रही थी, जिस चीज को लेके, वो तो गॉन हो गया। और हमने तो कई बार बोला है कि किस प्रकार से इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, वैसे वैसे ही सभी विपक्ष के दलों के नेताओं पर इस तरह का कार्रवाई करवाएंगे। सर, आपके जो विधायक है सुधाकर सिंह, आज फिर से मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे विधानसभा में, आप लोगों ने नोटिस भी दिया था। कौन? सुधाकर सिंह। फिर आज गलत बात है, उन्होंने आज मांग किया सर। अब क्या मांग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस तरह का अगर काम, अगर अरे भाई तेजस्वी यादव जी हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। महागठबंधन का नेतृत्व सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी को चुना है। अगर ऐसी कोई बात कही जा रही है जो बार बार पार्टी द्वारा अधिवेशन में, खुला अधिवेशन जब निर्णय ले लिया गया, उसके बाद अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब है वो बीजेपी आरएसएस का काम कर रहा है, उन पे कार्रवाई करेंगे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जो है वो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अभी आप लोग सब लोग जान रहे होंगे कि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है। कमेटी बैठेगी, कमेटी जो है वो निर्णय लेने जा रही है, तो जो निर्णय होगा वो सबके समक्ष होगा। अगर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं जानबूझ कर बार बार, तब हमको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, कहीं और से गाइडेड है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।